तो फ्रेंड जैसा कि एचएसएससी के पेपर बार बार लीक हो रहे हैं, तो उसके लिए जो हरियाणा सरकार है एक नया कानून बनाने जा रही है ताकि जो पेपर लीक हो रहे हैं उनको रोका जा सके। जो 20 अगस्त को मानसून सत्र शुरू होगा उसमें हरियाणा सरकार एक बिल पास करेगी जिससे जो पेपर लीक करेगा या फिर जो पेपर लेगा उन सभी को 7 साल की जेल होगी और साथ में उनकी जो प्रॉपर्टी है उसको भी नीलाम किया जाएगा और उससे जो एचएसएससी के पेपर में खर्चा हुआ है उसकी भरपाई की जाएगी। अगर एवरेज मान के चलें एक बच्चे पर एचएसएससी के पेपर के लिए 1,000 रुपये खर्च होता है तो उन सब की भरपाई हरियाणा सरकार जो पेपर लीक करेगा या फिर जो पेपर लेगा उससे करवाएगी। अगर उसके पास प्रॉपर्टी नहीं है तो उसकी सज़ा 7 साल से बढ़ाकर 10 या 11 साल कर दी जाएगी। तो फ्रेंड ये जानकारी थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, तो आप कमेंट करके बताएं आपको ये जानकारी कैसी लगी। क्या ऐसा करने से जो हरियाणा में पेपर लीक हो रहे हैं वो बंद हो जाएंगे? आप कमेंट में अपनी राय दे सकते हैं।